हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा स्टमक इन रूमिनेंट एनिमल्स। सो रूमिनेंट एनिमल्स दोस्तों हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे कैटल्स, शिप हो गए। तो इनके जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट। जैसे कि हमारा अगर जो ह्यूमन का जो स्टमक है दैट ओनली कंटेन्स वन चैम्बर, बट द स्टमक ऑफ दिस काओ और एनी अनदर रूमिनेंट एनिमल कंटेन्स फोर चैम्बर्स और कंपार्टमेंट। तो उन्हीं चैम्बर्स एंड कंपार्टमेंट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो चैम्बर आता है दैट इज़ र्यूमन। फर्स्ट चैम्बर, और आप इसे कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, फर्स्ट चैम्बर इज र्यूमन। उसके बाद जो कंपार्टमेंट आता है दैट इज रेटिकुलम। ठीक है, र्यूमन जो होता है दैट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर अमंग द फोर, एंड रेटिकुलम इज़ द स्मॉलेस्ट चैम्बर। उसके बाद हम देखें तो दैट इज़, उसके बाद आता है ओमैज़म, एंड द लास्ट वन इज़ एबोमैज़म। सो इनकी जो कभी कभी मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब देखे हैं तो उनके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली देखा है। वो बोलते हैं कि व्हाट इज़ द सीरीज ऑफ चैम्बर्स ऑफ इन स्टमक ऑफ इन रिमिनेंट एनिमल, मतलब जिस सीरीज़ में फूड ट्रांसफ़र होता है उन चैम्बर्स में। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ईसोफेगस है और इसे फूड पाइप भी कहते हैं, यहाँ से उन्होंने कैटल ने ग्रेजिंग की तो जो भी फूड हुआ दैट गोज़ इनटू र्यूमन। सबसे पहले वो र्यूमन में जाएगा, उसके बाद वहाँ से दैट गोज़ इनटू रेटिकुलम, रेटिकुलम के बाद वो जाएगा ओमैज़म में, और ओमैज़म के बाद जाएगा एबोमैज़म में, फिर एबोमैज़म से वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में। सो आपको ये सीरीज़ याद रखनी है कि भाई फूड जो है वो पहले किसके अंदर जाता है और बाद में सक्सेसिवली किसके अंदर जाता है। सो फर्स्टली र्यूमन, र्यूमन, देन रेटिकुलम, देन ओमैज़म, देन एबोमैज़म। तो आपको ये सीरीज़ जो है वो याद रखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू सो मच।